हेलो डॉक्टर साहब, मैं वृंदा देसाई बोल रही हूँ। आपको जो रिपोर्ट्स भेजी थी मैंने, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहती थी। आई एम सॉरी मिसेस देसाई, बट इस केस में कोई उम्मीद नहीं है। उनका ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पर है। देखिए, हम डॉक्टर्स के सामने भी कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब सारी दवाएं खत्म हो जाती है तो सिर्फ एक चीज ही बचती है, और वो है दुआ। आपके कहने का मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आखिरी दांव हमेशा ईश्वर ही खेलता है, और दुआ से बढ़कर दवा कभी इंसान न तो बना पाया है और ना ही कभी बना पाएगा। मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने भी वादा किया है अपने आप से कि मैं मनजीत को इस कदर हारने नहीं दूंगी, उसके लिए बड़ी से बड़ी कोशिश करूंगी। अगर ऐसा है तो आप एक बार मनजीत को अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवस्थी को दिखा दें। हो सकता है शायद कोई रास्ता निकल आए। आए दिन वहाँ कई नए रिसर्च तो होते ही रहते हैं, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। बट यू नो, इसमें बहुत खर्चा होगा, अराउंड 50 लाख या उससे भी ज्यादा। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे पैसों की परवाह नहीं। पहली बार मेरी बेटी ने कुछ मांगा है मुझसे, और मैं मनजीत को निराश नहीं करूंगी। आपने मेरी उम्मीद बंधाई है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है डॉक्टर साहब, अमेरिका तो क्या, मनजीत के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट मिसेस देसाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। 50 लाख आज दिखाना है कि 50 लाख तो क्या, 50 करोड़ भी जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है हम। बाकी सब आपकी मर्जी।